हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोग हमें अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे लगते हैं। कुछ को हम पसंद करते हैं, कुछ को हम पसंद नहीं करते। और कई बार हम अपनी सोच की वजह से उन लोगों से कुछ सीख ही नहीं पाते क्योंकि हम उनको पसंद नहीं करते या वो हमें अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, आपको समझना होगा कि दुनिया में सभी लोगों में कई क्वालिटी होती हैं, चाहे आप उनको पसंद करें या ना करें। उदाहरण के लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को लेते हैं। उनको पसंद ना करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। लोग उनके बारे में जाने कितनी बुरी बातें करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे शानदार बिजनेसमैन में से एक हैं। उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता हूं और बनके दिखाऊंगा। बाद में वो बने भी। हो सकता है आप उनको ना पसंद करते हो क्योंकि उनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उनकी बहुत सारी काबिलियत भी है। और आप उनको ना पसंद करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर भी आप उनसे बिजनेस सीख सकते हैं, आप उनसे कॉन्फिडेंस सीख सकते हैं और खुद को बेहतर कर सकते हैं। पर समस्या ये होती है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी नफरत, अपने गुस्से, अपनी सोच के दायरे में इतना उलझे रहते हैं कि हम किसी इंसान का पॉजिटिव साइड सिर्फ तभी देखना चाहते हैं जब हम उसे पसंद करें या उसके बारे में हम न्यूट्रल सोच रखें। अगर हम उस इंसान को ना पसंद करते हैं तो हम किसी भी हालत में उसका पॉजिटिव देखना ही नहीं चाहते और इसी वजह से हम उनसे सीख भी नहीं पाते। और दोस्तों, ये सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास, आपकी लाइफ में ऐसे कई लोग आते हैं और चले जाते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अपनी सोच के कारण सीख नहीं पाते। तो अगर आप सफल होना चाहते हैं, आप वो हासिल करना चाहते हैं जो आपका सपना है, तो उस इंसान में भी पॉजिटिव देखने की कोशिश करिए जिनको आप पसंद नहीं करते। उस पॉजिटिव को अपनी लाइफ में अपनाकर खुद को बेहतर बनाइए। और यही आज का 1 मिनट विजडम है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो सभी के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो हर दिन देखने को मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।